एज एन एग्जाम्पल आप वीसी सिस्टम को समझा सकते हो? आप जो शार्क टैंक में जिन लोगों को शार्क्स को देख रहे हैं वो अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं, वो बहुत जल्दी आते हैं किसी कंपनी में। हम ये थॉट प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, क्योंकि वो नारायण मूर्ति के 70 hour week को लेके बहुत बवाल मचा था। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एक अलग नजरिया है, पर अगर आप फाउंडर हैं तो 70 भी मैं कहूँगी, मतलब आपको दिन कब होती है रात कब होती है पता ही नहीं चलता है। अलग अलग चीजें सुनने में आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वीसीज ने ज्यादा प्रेशर डाल दिया बोर्ड में आके। बायजू को हीरो ना मीडिया ने बनाया और अभी उन्हें विलन भी मीडिया बना रहा है। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रियली फुल्ली इन द पब्लिक डोमेन। तो क्या वीसी सिस्टम कंटेंट क्रिएशन के इकोसिस्टम को नोटिस करता है? यू गाइस डोंट टेक अस सीरियसली। मैं बताती हूँ हमारा चैलेंज क्या है विद कंटेंट क्रिएटर्स। अगर किसी फाउंडर ने सिर्फ अपने लिए पैसे कमाए, वेरी बैड फाउंडर, नेवर टच दैट फाउंडर अगेन। और ऐसे बड़े बड़े फाउंडर्स हैं जिन्होंने पैसे